अगर कहूं कि चौधरी पुलिस का ना होता तो अल्लाह का वली होता, उसमें वो खसूसियात। आज एक माँ ये कहती है कि इस मुल्क के ऊपर दो बेटे और कुर्बान करूंगी। मैं आईजी हाउस घेरूंगी मीडिया के साथ, जितने दिन अगर मुझे रोड पे मार भी दिया तो कोई बात ना होगी। आप ये सोच सकती हैं एक माँ कैसे एजुकेशन को पूरा करती है अकेले सर पे, थ्रेड्स इतने। चौधरी बहुत कुछ छोड़ कर गया है मेरी जिंदगी में, वो नहीं रहा, वो था तो आंखें बंद थी मेरी, क्योंकि मेरे सामने चौधरी हर बात का जवाबदार। आज हर चीज की जवाबदार मैं खुद हूँ। यहाँ तो मतलब मेरे गार्ड हटाए, मेरे बच्चों का साल जाया हो गया। फिर दारे खड़े हुए कि भाई लेडीज है, माँ है, बोलती है, मतलब प्रोग्राम्स कर दिए कुछ। इन्होंने नॉर्मली मिनिस्ट्रियों को, ये कुछ मिनिस्टरों ने तालिबानों को मारा है क्या? जवाब है, या मिनिस्टरों की तालिबानों से दुश्मनी हो गई थी, उनको अंडरग्राउंड इन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड की। फिर ये थ्रेड्स कमेटी से मैंने 8 बंदे अप्रूव कराए खड़े होके कि जी मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। अगर आप बाहर की बात करते हो तो पढ़ाए ना मेरे बच्चों को बाहर रखकर, वहां पे भी तो गेम खेला गया है, वापस क्यों आई मैं 1.5 साल में? नहीं, ये बताइए कि गेम किसने खेला, क्योंकि जाहिर उनका डिपार्ट है और हुकूमत भी। हुकूमत के मैं बिलावल की बात नहीं करती, बिलावल के आगे जो दुनिया बसती है कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव है, वो खुद इस बात को जानते हैं अच्छी तरह। उन लोगों ने गलत किया है, लेकिन जिन्होंने दी उन्होंने गलत की। लेकिन आप ये देखिए कि वही हुकूमत है, हुकूमत नहीं बदली है सिंध में। हुकूमत तो नहीं बदलती, हुकूमत तो सिंध में इनकी रहती है, मगर ये तो मेरा हर चैनल पे हर चीज़ पे इतना वायरल हो चुका, मेरे प्रोग्राम्स आ चुके, उस वजह से। वरना ये शहीदों के घरानों के साथ करते क्या है? मैंने तो उनको कहा है भाई अपने हक की जंग में आगे आओ, ये जिंदगी की जंग ही होती है, हक की जंग में हो, आपकी औलाद का हक बनता है सबका। बोला भाभी हम पे गलत नज़रें लोग डालते हैं। मैंने कहा तो फिर मैं किधर खड़ी हूँ? नज़रें जो डालते हैं उनकी नज़रों को छीन ना जानो, ये औरत की पावर होती है। अगर एक औरत रास्ता देती है मर्द आगे बढ़ेगा, रास्ता नहीं देगी कोई किसी मर्द का दम नहीं आगे आने का। इनका डिपार्ट या ये जो हुकूमत है, हुकूमत सेंस होने का, मैं नवंबर में इनको एप्लीकेशन पुट अप कर रही हूँ बड़े बेटे की डीएसपी शिफ्ट के, और एक मेरा छोटा बेटा है। मैंने कहा था ना मैं एक चौधरी देके जाऊंगी, तो कल मेरे ऊपर शिकवा नहीं करेंगे लोग। एक माँ जिस हद तक जाएगी जाएगी, मैं जितनी आवाम मेरे पास है, मेरे पास आवामी पावर है, मैं उस आवाम का इस्तेमाल करूँगी हक के लिए। मैं आईजी हाउस घेरूंगी मीडिया के साथ, जितने दिन अगर मुझे रोड पे मार भी दिया तो कोई बात ना होगी, ये हक की जंग है। ये इन्होंने इस हद तक हमें गिराया कि जी बस जो करते हैं करें, हम क्यों? आर्मी अपने बंदों के साथ वफा करती है, अपने शहीदों का भी ख्याल रख लेती है, इस डिपार्टमेंट में ये ऐसी बात क्यों नहीं आई? और सारे गलत नहीं है, मैं आफताब जैसे पठान 22 ग्रेड के ऑफिसर है, उन्होंने मेरे लिए कैसा काम किया जो मैं सोच नहीं सकती थी, मेरे मुझे तकलीफ नहीं दी इस्लामाबाद के अंदर एक प्लॉट में। मैं उनकी अजमत को सलाम करती हूँ, मैं कहती हूँ कि मैं आपके कपड़ों पर नमाज पढ़ूँ, आप ऐसे ऑफिसर हो। अब सारे तो नहीं है ना, कुछ सिस्टम के हाथों पर है, सारों को गलत नहीं कहती, कुछ अच्छे भी हैं। अच्छा ये भी बताइए, हालांकि आप पहले इसका बहुत खूबसूरती से जवाब दे चुकी हैं, लेकिन ये बताइए कि चौधरी असलम के साथ ये बात बहुत ज़्यादा जुड़ी रही कि वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, तो प्लीज़ मुझे ये बताइए कि आप तो ज़ाहिर है कि उनकी बीवी जितने करीब आप थी उतना तो कोई उनको जानता नहीं था, आप ये बताइए क्या सदाकत है? वो थे इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, इसमें कोई शक नहीं, जेली इनकाउंटर भी गए पकड़े ना। आज कराची में जो आवाम इस 8-9 साल से घूमी है, क्या पाया है? 80% कराची, 70% साफ करके गया। वो आखिरी जंग मेरी थी चौधरी साहब से कि बस कर दे, मेरे भी बच्चे हैं, मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगी इस हालात में। बोला आपके साथ खुदा होगा, तो जो काम चौधरी ने किए वो करे ना, पुलिस भी तो बैठी है, किसी ने हाथ तो नहीं बांधे ना। चौधरी अपने अपना हक अदा कर गया, वो ये कहता है मैंने अपनी वर्दी का हक अदा किया, इस मट्टी को खून दिया, वो माँ है, तो मैं धोखा दूंगा, माँ को नहीं दे सकता। इससे आगे जज्बात, बाकी जो बात आप कर रही हो, मेरे साथ आखिरी उम्र में उन्होंने, मैंने उनसे पूछा
कि चौधरी साहब मैं आपके साथ शायद आगे ना चल सकूं। आप खूनी आदमी हैं, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। ओ हो, मैंने ज़िंदगी में चौधरी का गुस्सा कभी भी नहीं देखा, उन्होंने हमेशा मुझसे डांट खाई है। तो उस दिन मेरा हाथ पकड़ के खेचा काबा में, रुको आज सुनो, मैं खुदा का भेजा हुआ मुजाहिद हूँ, मेरी इज्जत गवाही बनेगी कि मैं मुजाहिद हूँ, और मेरी शहादत की मंजिल देखना, इस अवाम का एहसास देखना, इस अवाम के अंदर तकलीफ देखना कि वो मेरे लिए जज्बे रखेंगे, तो वो ये मान लेना कि मैं शहीद हूँ। तो जो बंदा अपने उम्रे के दरमियान काबा को गवाह बना दे कि मैं रियल मुजाहिद हूँ खुदा का, आज चेक करो ना, पुलिस अफसरों को भी एहतसाब में लो, पैसा किसने कमाया है, मुंह खुलवाएंगे मेरा? चौधरी को पहले लो, उसकी बीवी बैठी है ना जिंदा सलामत जवाब देने के लिए, तो देखो फिर जान किसने दी। हमेशा जूनियर्स में सबसे ज्यादा शहीद हुए, एवरेज देखिएगा, मोस्ट सीनियर ऑफिसर कम शहीद हुए, सिलेक्टेड लोग हैं, सिफत गयूर है पेशावर के, जिन पे 4 अगस्त रखा गया, सारे शहदा डेज, वो पेशावर के, उनको उस डे में मनाना चाहिए, पूरे पेशावर को, केपीके को। सिंध के अंदर चौधरी से बड़ी शहादत कोई नहीं, 9 जनवरी, ये अप्रूवल ये भी नहीं होने दे रहे कि 9 जनवरी चौधरी के नाम से मंसूब कर ले। ये आप कह रही है इन्होंने, ये मेरा खुदा था, खुदा की कसम जिसने मेरा साथ दिया, इन्होंने तो सारे लोग, कुछ लोगों ने ऐसे ऐसे ड्रामे भेले, ऐसे ऐसे किरदार कशियों की बातें की, वो मेरे रब ने मुझे सुरखरू रखा और पक्का रखा एक बात पे, अटल रहो जैसे चौधरी अटल था, तो मैं मंजिल की तरफ आई। अब तो ये बेचैनी है कि भाई ये सब कोई ऐसी कहानी हो तो इज्जतों को ख़राब किया जाए। जिस तरह आप कह रही हैं कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द चौधरी असरम के लिए एक आवाज़ उठाएंगी, उनके जो उनको उनका हक है उनको मिलना चाहिए, प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठाइए। क्या बात करिए, आप मेरे सारे चैनल्स यूट्यूब पे देखें, मैंने तो आवाज़ रोका ही नहीं। तगमा इम्तियाज़ मतलब उनको मिला तो अपनी कारकर्दगी पे मिला, और उनका अगर आर्मी का इतना ऐसा ऑफिसर शहीद होता वो उसको किस उससे नवाजते, अवार्ड से, निशान हैदर से, जितना काम चौधरी ने किया। सिर्फ ये मसला है कि वो आर्मी में नहीं है, तो बाकी तो कर सकते थे ना, ये डिपार्टमेंट का काम है समरी बना कर दे। हाँ, लेकिन हमने देखा कि चौधरी असलम की शहादत पर आर्मी चीफ ने भी उनकी बहादुरी को, उनकी शुजात को ये बहुत सराहा था कि ये वो वाकई एक बहादुर और शुजात से भरपूर और जज्बा था अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए कुछ करने का। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगी भाभी आपसे कि चौधरी असलम जिस तरह आप बता रही हैं कि बड़े ही वली थे, अल्लाह के वली थे, कुछ लोग उनसे जुड़े हुए थे कि जिनकी कफालत, जिनकी जिम्मेदारियाँ, 300 घरानों की कफालत छुपकर करते थे। कुछ रूल उसके ये थे कि आप मुझसे नहीं पूछें, और मैं चौधरी के सदके पूरी ज़िंदगी उतारती रही। उस दिन सदका भूल गई जिस दिन शहादत का मकाम आ गया, बोला था बरल, वो कहते हैं बस वो लड़का मेरा ऊपर छत पे डालना भूल गया, इतने में कॉल आ गई कि टीवी देखें शहीद या जख्मी की। उसके बाद फिर मैं चल पड़ी, मुझे यकीन हो गया कि अब उस दुनिया में नहीं रहे। जब घर से जा रहे थे अपनी ड्यूटी पे कुछ बात की? हाँ, मेरे से मैं एक हॉस्पिटल से आई भागती हुई, 3:30 बजे का, बल्कि 3:45 का टाइम था, ये शावर ले रहे थे बाथरूम में, मेरी बहन ने कहा वो शावर ले रहे हैं, तो मैंने कहा अच्छा हुआ, मैंने अपने ड्राइवर से कहा गाड़ी की स्पीड इतनी उठा के मेरी मुलाकात आज चौधरी से हो। बोला आप भाभी अभी तो दिन को उठ कर गए उसी, मैंने कहा मेरी बात नहीं हो सकी। ये जब जाने लगा ना तो तैयार हुआ, बालों को ब्रश किया ड्रेसिंग के सामने, जब निकलने लगा मुझसे बात नहीं की, मैंने कहा रुक जाओ, हाथ डाला मैंने इसको छीना, अरे किधर बात करनी है मुझे, मैंने कहा मैं परेशान हूँ, मेरे कई दिन गुजर गए, 1 हफ्ते से कंटिन्यू। बोला मुझे पता है आप क्यों परेशान हैं, आप ये चाहती हैं मैं काम छोड़ दूँ, काम तो नहीं छोड़ूंगा, मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। ऐसी बातें हुई, फिर आखिरी जो बातें थी वो ये थी कि मुझे माफ़ कर देना, अपना हक बख्श देना मुझे, कि आपको मैं वो ज़िंदगी नहीं दे सका, कि मैंने इस अवाम इस मुल्क के लिए बहुत किया, अपनी तरफ से जो मुझसे हुआ मैंने किया है। तो बहरहाल जा इधर आके खड़े हो गए, अपने बेटों पे शोर था कि मैंने इनको लेकर जाना है। तो एक मेरा बेटा है वो बड़ा, वो तैयार हो रहा था, उसने कहा पापा मुझे टाइम लगे। इतने में एक CCPO की कॉल आई जिसपे बड़ा इशू बनाया कि चौधरी असलम की बीवी को
ऐसे हाथों पे नचाया जा रहा है ताकतों पे कि उसका इस्तेमाल, जबकि ऐसी कोई बात नहीं, कोई ऐसी ताकत मुझे नहीं नचा सकती आज तक, मैं अपने हाथों पे नाचने वाली औरत हूँ। फिर असलम ने, मैंने कहा आप ऐसा करें, चलिए, मेरी बेटी के मुंह से ये लफ्ज़ निकला कि पापा आप जाएं, हम आपके साथ नहीं मर सकते। उसी पल उसको थाईलैंड जाना था, ट्रिप था मेरी बेटी का स्कूल की तरफ से, जो वो लेवल पे नहीं होता फाइनली, तो बोला पापा आप ना, मुझे मम्मा भी पैसे नहीं दे रही और आप भी कुछ नहीं करके दे रहे, तो मैं कैसे जाऊँगी। बोला बेटा मैं रात घर आऊँगा तो कर दूँगा। फिर रास्ते में जब यहाँ हाईवे पे पड़ा जो लियारिटा, इस पे फिर इसने कॉल की, हम आपस में कांटेक्ट नहीं करते थे ट्रेवल टाइम के अंदर कि असलम को ट्रेस ना हो जाए, मेरे नुकसान ना हो किसी पल में। जब ये ऑफिस की दफ्तर की गेट इंटर हो जाता फिर मुझे कॉल आती कि सेफली पहुंच गए। उस दिन इसने मुझे दोबारा कॉल की, मेरे एक और घर है परांजो के नाम से, बोला कि आप वहाँ आ जाएँ आज रात, मेरा मुलाकात इस घर में, मेरा दिल नहीं है, मुझे वहाँ जाना है, मेरा दिल नहीं लग रहा नौरीन जहाँ। मैंने कहा मेरी तबीयत ख़राब है, मैं रोज़ ऐसे पैकिंग करके आधी आधी रात ट्रैवल, हमें हमने जो ज़िंदगी काटी है वो वाम नहीं काट सकती, आधी रातों को अपनी गाड़ियाँ इस्तेमाल करनी है, बोरे बिस्तरे बांध कर जाना है, शिफ्ट होना है, जो लोग कहते हैं तो वो ज़िंदगी हमसे पूछे, सारी ज़िंदगी की स्टोरी बता दूँगी कि क्या है। मैंने कहा असलम आज नहीं, मेरी तबीयत ख़राब है। कहने लगा अच्छा, आपके चौधरी का खुदा हाफिज़, आप खुश रहिएगा। ब्लास्ट होता है एक मिनट, तो मैं कैसे भूल जाऊँ हर चीज़। बस आपसे जो बात की है ये जुमले आखिरी, उसके बाद फिर उसने मुझे, मैंने, मेरे पास इदारे आए कुछ, मैंने कहा ये आखिरी कॉल ट्रेस करें, गुड लक वीडियो है शायद, वो मेरे छोटे बेटे की मोबाइल के लिए थी। तो मुझे किसी ने सवाल किया आपको कैसे पता, मैंने कहा मैं शहीद की बीवी हूँ, शहीद के कनेक्शन फैमिली से कुछ हो रहा है। तो मुझे उन्होंने बताया, उन्होंने मुझे सारी स्टोरी बता दी, गाड़ी 28 फीट ऊपर गई, उस वक्त हम शहीद नहीं हुए, ज़मीन पे लगी जब हम शहीद हुए, पहला कतरा ब्लड का कतरा गिरा, जन्नत की खिड़की नबी ने बाहों में ले लिया, ये चौधरी कहता है। जो लोग कहते हैं जी कुत्ते की मौत ये मौत, वो अपनी मौत का इंतज़ार करें उनके साथ क्या होगा। चौधरी को तो जहाँ मिल गया ये भी मिला, दुनिया ने देखा जिस तरह वो जिया, शेर की तरह, और शेर की तरह गया, और आगे से रब ने भी वो मंजिल दे दी उसको। अच्छा, जब वो शहीद नहीं हुए थे, शहादत नोश नहीं फरमाई थी, लेकिन वो सारा मंजर, मैं लड़ती रही जैसे सिक्स सेंस मेरी, पेशेंट गोइयां सोलत मिर्ज़ा केस जब मैं 22 साल की थी तब से चल रही हूँ, हर पेशेंट गोई मेरी डन साबित हुई है चौधरी पे। मैंने जब मेरा घर ब्लास्ट हुआ उस वक्त मैंने 18 अगस्त को कहा था चौधरी हमारा घर उड़ जाएगा, ये मेरे बच्चे इतने इतने थे, इनको क्या समझा रही हो, तुम्हारी नस्ल है ना समझ है अभी, इनको मत समझाओ, उनको क्या पता, बोला ज़माने की ठोकरें होंगी, तकलीफ़ें काटेंगे। मैंने कहा जब तक इनकी माँ होगी एक साया नहीं पड़ने देगी, बाकी मेरा मालिक खुदा है, तुम नहीं हो, तुमने जो करना था सो कर लिया। 18 अगस्त को दावा कर दिया दयार इंटरनेशनल मदीना होटल के अंदर बैठकर मैंने कि चौधरी हमारा घर उड़ेगा हम बच जाएंगे। ऐसा हुआ, ज़माने ने देखा, डिफेंस का ब्लास्ट 11 सितंबर को हुआ, टाइम की गिनते जाइए, महीने का टाइम मैंने दिया था, बीच में हो गया। फिर रहमान का मुकाबला, ये भी काबा में इससे मुझसे बात की, एक रहमान ऊपर है अल्लाह है, मेरे ऊपर एक दाग है नूरी कि मैंने जब जेल काटी मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लग गया कि चौधरी असलम ने पैसा खाया है चौधरी के, मैंने कहा ये हाथ भी इंशाल्लाह तुम्हारे हाथों से मरेगा, तुम पे दाग नहीं आएगा कोई भी। और ये 27 जुलाई की शाम 5:30 बजे काबा के तवाफ के अंदर ये बात मैंने दावा कर दी, 14 दिन का टाइम है असलम, जगह मत छोड़ना अपनी कामयाबी तुम्हारे कदम चूमने की। 8 और 9 अगस्त की मिली जुली रात को इनकाउंटर हुआ। अच्छा ये बताइए कि इस पूरे सिस्टम में किसकी मुखालफत का सामना आपको सबसे ज़्यादा, ये सिस्टम, उनका अपना इदारा, या ये हमारी हुकूमतें? मिक्सचर है, हर चीज़ का सामना एक औरत को करना पड़ता है जब वो बोलती है मैदान में, सच्चाई पे उतरती है ना। मेरे खुदा ने सच का साथ देना है, झूठों का नहीं देना, याद रखिएगा। और दौलत से जन्नत नहीं खरीद सकता कोई भी, जन्नत अपने माल नामों पे और नीतों पे है। फख्र महसूस करती हैं एक शहीद की? मेरा बाप उसके आगे कुछ नहीं बेचता, आप सोचेंगी कि मैं चौधरी पर कितना फख्र करती हूँ, मुझे बेवगी का दुख नहीं है, मुझे चौधरी के किरदार की खुशी है कि मुझे रब ने ऐसा मर्द दिया। मैंने 16 साल की उम्र में भी अमाउंट रोड पे ही मुझे नहीं पता था, खड़ी थी खुदा से दुआ मांगी, अल्लाह गैरतमंद मर्द देना,
और शेर, जो शेर दिया मेरे रब ने ऐसा दिया, जी भर के दिया जमाने ने देखा। आज उसका दुश्मन भी ये कहता है कि माना है चौधरी शेर है। बहुत शुक्रिया भाभी, बहुत शुक्रिया। ये थी नौरीन असलम, दिल की बातें इन्होंने हमसे की और जो हमने भी महसूस किया कि चौधरी असलम इनके दिल में आज भी खुशी और फ़ख्र बनकर हैं और आँखों में हल्की सी नमी भी है। मुझे नहीं पता कि सिस्टम क्या कहता है, सिस्टम कौन चलाता है, लेकिन यतीमी का दुख चौधरी असलम के बच्चों ने महसूस किया है। उनको उनका वो हक मिलना चाहिए, बस यही गुजारिश है। आपसे बात होगी इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो में सोशल कैनवस पे। तब तक के लिए मुझे सौलिया सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।